प्रियंका राज, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारा खास प्रोग्राम भोजपुरी टॉप 5। भाई सॉरी थोड़ा देर हो गया आप सभी से इंट्रोडक्शन आप सभी को देने में, और आज के प्रोग्राम की शुरुआत कर देते हैं। भाई जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं भोजपुरी टॉप 5 बड़ी खबरों के बारे में, तो चलिए आज की शुरुआत कर देते हैं। और आज हम आप सभी को जो खबर आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं वो थोड़े अलग अंदाज में बताते हैं, क्योंकि आज मेरे पास भी थोड़ा समय हो गया है कम। तो चलिए आज की जो खबर में हम आपको बताने वाले हैं वो आज की भोजपुरी की सुबह सुबह की 5 बड़ी खबरें होंगी, और इसकी शुरुआत कर देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट हमारी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों और गानों की वजह से ऐसी पकड़ बना ली है जिसे बनाने में पवन सिंह को कई साल मेहनत करना पड़ा, लेकिन आज के समय में पवन सिंह की मेहनत का ऐसा फल मिल रहा है जिसका अंदाज़ा खुद पवन सिंह ने भी नहीं लगाया होगा। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पर पवन सिंह के एक ऐसे फैंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं जिनमें पवन सिंह के दीवाने ने उन अपने बालों पर पवन सिंह का नाम लिखवा लिया है। और वाकई में पवन सिंह के ऐसे बहुत से फ़ैन हैं जो पवन सिंह और उनकी फिल्मों और गानों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और पवन सिंह के फ़ैन लिस्ट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पवन सिंह अपने चाहने वालों के लिए कई अलग अलग फिल्में लेकर आ रहे हैं जिसकी कहानी पहले की फिल्मों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बदली हुई है, और साथ में फिल्म की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव का 21 जुलाई को दिल्ली में के मयूर विहार में एक काफ़ी धमाकेदार स्टेज शो हुआ था, जिस स्टेज शो में खेसारी के साथ उस स्टेज शो में अक्षरा सिंह और काजल राघवानी भी शामिल हुई थी। लेकिन खेसारी के इस स्टेज शो में चर्चा का विषय बनने वाली वजह बनी थी इस शो में आई बॉलीवुड हीरोइन राखी सावंत। जी हाँ, उन्होंने खेसारी के साथ मिलकर इस स्टेज शो में तो धमाल किया ही था, लेकिन इसी के साथ राखी सावंत ने इस स्टेज शो में खेसारी के लिए कहा कि खेसारी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और मुझे खुद उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जिसे सुनकर बगल में खड़े खेसारी लाल यादव भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने भी राखी सावंत के सामने उनके लिए तारीफों के पुल बांध दिए। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, खेसारी लाल यादव इससे पहले हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के साथ भी स्टेज शो कर चुके हैं जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई थी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल से जुड़ी एक खबर। एक एक फिल्में और गाने हमेशा से दर्शकों की नजरों में छाए रहते हैं। हाल ही में खेसारी ने एक इवेंट के दौरान दैनिक पत्रिका को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें अशोभनीय गानों पर रोक लगाने के लिए खेसारी ने काफी सारी बातें की। खेसारी ने कहा कि एल्बम के लिए भी एक सेंसर बोर्ड होनी चाहिए ताकि अच्छे गानों को ही रिलीज करने के लिए आगे पास किया जा सके। इसके अलावा खेसारी ने यह भी कहा है कि भोजपुरी में सिर्फ एल्बम अशोभनीय होते हैं, बाकी फिल्में पारिवारिक होती हैं जिसे सब परिवार के साथ देख सकते हैं। खेसारी ने कहा कि जो लोग ऐसे गाने गाते हैं वो पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, लेकिन जब ये इंटरव्यू देखने को दर्शकों को मिला तो कई लोगों ने ये प्रश्न उठाए हैं कि आजकल तो भोजपुरी फिल्मों में ना जाने कितने सारे गाने होते हैं और उन गानों में अशोभनीय सीन ना हो ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ तक कि फिल्मों को अधिक मसाला देने के बहाने भी कई सीन ऐसे होते हैं जिसे पूरा परिवार तो क्या दो लोग भी साथ बैठकर नहीं देख पाते। भोजपुरी की बेस्ट जोड़ियों में गिने जाने वाली अक्षरा सिंह और पवन सिंह इस समय पर एक दूसरे से अलग होकर के फिल्म में काम करना शुरू कर चुके हैं, और खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये दोनों ही की दोस्ती के बीच काफ़ी ज़्यादा दरार आ गई है और जिसकी वजह पवन सिंह की शादी बताई जा रही है, लेकिन हम इस खबर पर कोई पुष्टि नहीं करते। लेकिन इस खबर की से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है, जिस खबर में कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह पवन से अलग होने से पहले ही दर्शकों को इस बात का संकेत दे चुकी थी कि वो एक दूसरे के नहीं हो सकते। जी हाँ, सोशल मीडिया पर होली के समय पवन और अक्षरा का एक बहुत ही शानदार गाना रिलीज हुआ था, जिस गाने में पवन को जवाब देते हुए अक्षरा सिंह कहती है, उमंग के संग के रंग शायद ही अंतिम बार रहा, अब लागता कि हमनी के मिलन संभव नहीं खे। और पवन सिंह के इस होली के गाने में अक्षरा का ये डायलॉग लोगों को इतना ज़्यादा भा गया कि वो उन्होंने इस डायलॉग को अक्षरा सिंह के रियल लाइफ की शायरी समझ ली।
भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह, जो कि अपनी फिल्मों की वजह से कई बार अलग अलग तरह के फिल्मों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं, और पवन सिंह की कई फिल्म और गाने के अलावा कई ऐसे डायलॉग्स भी हैं जो उनके दर्शकों के जुबा पर हमेशा रहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि आखिर पवन सिंह के कौन से ऐसे डायलॉग हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? नहीं पता तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। जी हाँ, पवन सिंह अपने एक स्टेज शो में अपने दर्शकों के बात करते हुए अपने पसंद के डायलॉग को उन्होंने बोला था। जी हाँ, पवन सिंह ने अपने दर्शकों के बारे में तारीफ करते हुए कहा कि दर्शक हमारे लिए सबसे खास है, हमारे दर्शक हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम चंगा रहते हैं। और पवन ने इस डायलॉग को बोलते हुए हीरो की तरह उन्होंने कॉलर को ऊपर चढ़ाया। वेल, इस समय पर अगर पवन सिंह के बोलबम के गाने की वजह से वाकई में दर्शकों का आशीर्वाद पवन सिंह के ऊपर बना हुआ है और सोशल मीडिया पर पवन के गाने लाखों लाखों के आंकड़े को और व्यूज़ को तुरंत में ही पार कर दे रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से आज की सुबह की पांच बड़ी खबरें हमने आपको बता दी है, जो कि आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म स्टार और सितारों के साथ जुड़ी थी। अब मेरा समय हो गया है जाने का, लेकिन आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। वैसे आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, तो आप ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।